सिंघम यूनिवर्स सर्च फॉर एक्सेलेंस। हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिंघम यूनिवर्स। एक नई दुनिया, एक नया अंदाज, एक नया यूनिवर्स जिसमें हम अपने उलझनों को सुलझाने की कोशिश करेंगे। वो उलझने हमारी स्टडी से रिलेटेड होंगी, चाहे वो मैथ्स के फास्ट कैलकुलेशन की हो, चाहे साइंस के फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की, या हिस्ट्री की या ज्योग्राफी की। इन सब का सलूशन एक ही यूनिवर्स में होगा, सिंघम यूनिवर्स। लेट्स स्टार्ट विथ मैथ्स मैजिक। मल्टीप्लिकेशन तो हम सभी को आता है, लेकिन अगर बात होती है फास्ट मल्टीप्लिकेशन की तो उसमें हमें सोचना पड़ता है। देखते हैं, जैसे कि अगर करना हो 24 × 15, तो 15 का टेबल हमको आता है, हम डायरेक्ट कर सकते हैं 15 × 4 = 60, 15 × 2 = 30 और 36। या फिर करना हो हमको 25 × 12, तो 12 का टेबल भी हमको आता है, 12 × 5 = 60, 12 × 2 = 24 और 6 = 30। तो इसे तो हम आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर बात हो ऐसे नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन की जो हमारे टेबल के बियॉन्ड हो, जिसके टेबल हमें नहीं आती है, तो उसे हम कैसे करते हैं? उसके लिए एक नया ट्रिक देखते हैं, उसे सॉल्व करेंगे। जैसे अगर सपोज 24 × 36, अब हमें ना तो 36 की टेबल आती है ना तो 24 की, तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे एक सिंगल लाइन में? देखते हैं, प्रोसीजर ये होगा, इस एरो को फॉलो करेंगे। फर्स्ट डायरेक्ट अप डाउन, नेक्स्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद अप डाउन। जैसे इसी मेथड को फॉलो किया जाए, 6 × 4 = 24, 4 × 2, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, 6 × 2 = 12 एंड 3 × 4 = 12, 12 + 12 एंड + 2 = 6 एंड 2 यहाँ पर आ जाएगा 6। नेक्स्ट एरो सीधा, 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 8, तो सिंगल लाइन में हमारा आंसर आ जाएगा 864। इस तरह से हम 3 डिजिट के भी कैलकुलेशन करेंगे, जैसे कि हमने 2 डिजिट का किया था। इसे भी हम एक एग्जांपल से समझेंगे। फॉर एग्जांपल 342 एंड 213, इनका मल्टीप्लाई करना है हमको। अब देखिए, किसी को 213 का टेबल नहीं पता होगा या 342 का टेबल नहीं पता होगा, तो इसे सॉल्व करने के लिए हम एक पैटर्न फॉलो करेंगे, उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग चलेंगे। देखिए, इस तरह से जैसे हमने लास्ट 2 डिजिट का किया था, वैसे हम 3 डिजिट का पैटर्न फॉलो करेंगे। ये पैटर्न थोड़ा सा उससे अलग है, पर बिल्कुल वैसे ही दिखेगा आपको। इसमें हमें 5 डिजिट पर ध्यान देना पड़ेगा, 5 टाइम्स करना पड़ेगा इस तरह से। अब देखिए, जैसे कि हमारा फर्स्ट टर्म है तो यूनिट डिजिट है, अप एंड डाउन का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 2 = 6 लिख दिया यहाँ पर। अब सेकेंड टर्म में हम क्रॉस मल्टीप्लाई, फर्स्ट 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे एंड उन्हें ऐड कर देंगे, 3 × 4 = 12 एंड 1 × 2 = 2, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 14, तो 4 आएगा और 1 कैरी रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में हमारा 3 क्रॉस में चलेंगे और तीनों को सम करेंगे, 3 × 3 = 9, 2 × 2 = 4 एंड 4 × 1 = 4, तो इन सबको ऐड करने के बाद हमें मिलेगा 18, 17 + 1 = 18 आ जाएगा हमें, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 carry 1। नेक्स्ट स्टेप हमारा, लास्ट के 2 डिजिट का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 3 = 3 एंड 2 × 4 = 8, इन्हें ऐड करेंगे तो 11 + 1 = 12, 2 + 1 = 1 एंड लास्ट स्टेप हमारा, लास्ट डिजिट को अप एंड डाउन, 2 × 3 = 6 एंड 1 = 7, तो इस तरह से हमारा सिंगल लाइन में 3 डिजिट के कैलकुलेशन का भी आंसर आ गया। अगर हमें और दूसरा एग्जांपल देखना हो तो हम देख सकते हैं, सपोज हमारे पास नंबर है 153 720, 0 × 3 = 0, 0 × 5 = 0 + 2 × 3 = 6, फिर थर्ड स्टेप हमारा होगा 0 × 1 = 0, 7 × 3 = 21, 5 × 2 = 10, ये हो जाएगा हमारा 31 एंड
31 का 1 आ जाएगा कैरी 3, देन 2 वन जा 2 एंड 5 सेवन जा 35, 35 प्लस 2 37 एंड 3 40, 0 कैरी हो जाएगा 4, 7 वन जा 7 और 7 4 11। इस तरह से हम 3 डिजिट पर प्रैक्टिस के थ्रू हम इसको और भी फास्ट कर सकते हैं।